शामली शहर के महल्ला रेलपार निवासी एक 7 वर्षीय मासूम की बदमाशों ने अपहरण कर बाद हत्या कर दी। हत्या के बाद बच्चे का शव एसपी ऑफिस के करीब 500 मीटर दूरी पर आम के बाग में पेड़ के नीचे मिला। बच्चे का शव मिलने से पुलिस में हड़कंप मचा गया। अनफन में मौके पर पहुंचे एसपी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे, शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये कल दिन में बेटा एक बच्चा गायब हुआ था, वो उसकी डेड बॉडी आज जो है उसके घर से लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे एक गन्ने के खेत में डेड बॉडी मिला है। उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रथम दृष्टया ये हत्या ही लग रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेज कर कल ही मुकदमा लिखा गया था। घर से गायब हुआ था, घर के बाहर खेल रहा था, वहीं से गायब हुआ था। तो हम लोग 4 टीमें बनाए हैं इंक्लूडिंग सर्विलांस और स्वाट की। सर किस तरह मौत हुई है सर? ये तो पोस्टमार्टम में बता सकते हैं। प्राइमरी फेसी तो इनके गले में रस्सा बंधा हुआ था और हाथ भी कटी, हाथ की जो कलाई में। सर उम्र कितने हुई बच्चे? 8 साल की उम्र, 7 या 8 साल। शामली से आकाश मलिक, जीवे पंजाब टीवी।